सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 10th। इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम गोल्डन एज के फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसका नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया। इसमें कैरेक्टर्स दिए गए हैं आपको, हिस्टोरियन, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, अप्रेंटिस नूडल, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा, सार्जेंट ऊप, ऑफ स्टेज वॉइस अर्थात मंच के पीछे की ध्वनि आवाज़। टाइम है 25th century, 25वीं शताब्दी का। प्लेस द म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का संग्रहालय। डिपार्टमेंट ऑफ द 20th century ऑन द प्लानट अर्थ, पृथ्वी ग्रह की 20वीं शताब्दी का एक विभाग। बिफोर राइज, पर्दा उठने से पहले। स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन, प्रकाश इतिहासकार पर चमकता है। हु इज सिटिंग एट ए टेबल डाउन राइट, जो ठीक दाईं ओर एक टेबल पर बैठी हुई है। ऑन विच इज ए मूवी प्रोजेक्टर, और जिस पर एक मूवी प्रोजेक्टर भी रखा हुआ है। ए शाइन ऑन एन एजल बिसाइड्स हर रीड्स, उसकी बगल में पड़े चित्र फलक पर लिखा हुआ है म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का संग्रहालय। डिपार्टमेंट ऑफ द 20th century, 20वीं शताब्दी का एक विभाग। सी स्टैंड्स, वह खड़ी होती है। एंड बोज टू ऑडियंस, और दर्शकों के सामने झुककर अभिवादन करती हैं। हिस्टोरियन, इतिहासकार क्या कह रही हैं देखिए। गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर। वेलकम टू आवर म्यूजियम, आपका हमारे संग्रहालय में स्वागत है। ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास के, अर्थात प्राचीन इतिहास के हमारे संग्रहालय में आपका स्वागत है। एंड टू माई डिपार्टमेंट, और मेरे विभाग में। क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड, दूरस्थ, फार ऑफ 20th century, दूरस्थ 20वीं शताब्दी के कौतूहल के विषय वाले मेरे विभाग में आपका स्वागत है। द 20th century वॉज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक, 20वीं शताब्दी को प्राय पुस्तकों का युग कहा जाता था। इन दोज डेज, इन दिनों में। देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, लगभग प्रत्येक चीज़ों पर पुस्तकें हुआ करती थीं। फ्रॉम आंट ईटर्स टू जुलूस, चीटी खाने वाले जानवरों से लेकर दक्षिणी अफ्रीका की एक कबीली जाति जुलू तक। बुक्स टॉट, पुस्तकें सिखाती थी प्यूपल लोगों को। हाउ टू, कैसे है, एंड व्हेन टू, कब है, एंड वेयर टू, कहाँ है, एंड व्हाई टू, और क्यों है। कि पुस्तक लोगों को यह भी सिखाती थी कि कोई चीज़ कैसे है, कब है, कहाँ है, और क्यों है। और पुस्तकें हमें दे इलस्ट्रेटेड, वे हमें उदाहरण देकर समझाती भी थी। एजुकेटेड, शिक्षित करती थी। पंक्चुएटेड, अनुशासित करती थी। एंड इवन डेकोरेटेड, और यहाँ तक कि वे हमें सजाती और संवारती भी थी। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंक ए बुक एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ, लेकिन पुस्तक के द्वारा किया गया अब तक का सबसे विचित्र कार्य है कि उसने एक पृथ्वी को भी बचाया था। यू हैव नॉट हियर्ड द इन्वेजन, अबाउट द मार्टिन इन्वेजन ऑफ 2014, क्या आपने 2040 में मंगल ग्रहवासियों द्वारा किए गए आक्रमण के बारे में नहीं सुना है। वाट डू दे टीच चिल्ड्रंस नाउ ए डेज, अब वे बच्चों को इसके बारे में क्या बताते हैं। वेल, अच्छा यू नो, आप जानते हैं। द इन्वेजन नेवर रियली हैपन्ड, किस प्रकार का आक्रमण कभी घटित ही नहीं हुआ था। बिकॉज, क्योंकि ए सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, एकमात्र पुस्तक ने उसे रोक दिया था। वाट वॉज द बुक, वह पुस्तक क्या थी। यू आस्क, आप पूछते हैं। ए नोबल एनसाइक्लोपीडिया, एक महान विश्व ज्ञान कोश। ए टॉम अबाउट रॉकेट एंड मिसाइल्स, या रॉकेट और मिसाइलों के बारे में एक बड़ी पुस्तक। ए सीक्रेट फिल्म फ्रॉम आउटर स्पेस, या बाह्य अंतरिक्ष के बारे में एक गुप्त फाइल। नो, नहीं। इट वॉज नन ऑफ दोज, वह उनमें से कुछ भी नहीं थी। अर्थात इसमें आपको बताया गया है कि 2040 में जब
मंगल ग्रह वासियों ने पृथ्वी पर आक्रमण किया था तो एक पुस्तक ने उस आक्रमण को रोक दिया था। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वह पुस्तक क्या है। विश्व ज्ञान कोश है, रॉकेट और मिसाइलों से संबंधित कोई बड़ी पुस्तक है, बाह्य अंतरिक्ष से संबंधित कोई गुप्त फाइल है, लेकिन वह उनमें से कुछ भी नहीं थी। इट वॉज बट हेयर लेट मी टर्न ऑन द हिस्ट्रोस्कोप। इतिहासकार कह रही है कि अब मुझे इतिहास की सूक्ष्म चीज़ों को दर्शाने वाले यंत्र को चालू करने दो। एंड शो यू, और आपको दिखाने दीजिए, व्हाट हैपन्ड मैनी सेंचुरीज अगो इन 2040, कि कई शताब्दियों पहले 2040 में क्या हुआ था। सी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर, वह प्रोजेक्टर को चालू करती है। एंड पॉइंटेड इट लेफ्ट, और अपने दाईं ओर इशारा करती है। स्पॉटलाइट्स ऑन हिस्टोरियन गोज आउट, स्पॉटलाइट इतिहासकार पर से हट जाती है। एंड कम अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, और उसके दाईं ओर बैठे हुए थिंक टैंक पर गिरती हैं। हु इज सीटेड ऑन ए रेज्ड बॉक्स, जो एक उठे हुए बक्से पर बैठा हुआ है, अर्थात थिंक टैंक इतिहासकार के दाईं ओर उसी मंच पर एक उठे हुए बक्से पर बैठा हुआ था। आर्म फोल्डेड, बाहों को मोड़ रखा था। ही हैज़ ए ह्यूज एग हैंड शेप्ड हैंनरी, उसका एक बड़ा विशाल अंडाकार सिर है। एंड ही वियर्स ए लॉन्ग रॉब डेकोरेटेड विद स्टार एंड सर्कल्स, और उसने सितारों और वृत्तों से सजा हुआ एक लंबा लबादा पहना हुआ है। अप्रेंटिस नूडल स्टैंड्स बिसाइड हिम, और अप्रेंटिस नूडल उसकी ठीक बगल में खड़ा हुआ है। एट एलेबोरेट स्विच बोर्ड, और वह एक स्विच बोर्ड को समायोजित कर रहा है। ए साइन ऑन एन एजल रीड्स, उसकी बगल पर रखे हुए चित्रफलक में लिखा है मार्स स्पेस कंट्रोल, अंतरिक्ष नियंत्रण कक्ष, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाद आपको कल बताएंगे। थैंक यू।